आज हम 10th क्लास का आर्ट क्राफ्ट का सेकंड टर्म स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड टर्म का सिलेबस है, फर्स्ट है ड्राइंग, सेकंड कलरिंग, नंबर 3 प्रिंटिंग, नंबर 4 पेस्टिंग और नंबर 5 पे क्राफ्ट। तो इसके लिए हमें जो मटेरियल चाहिए उसमें है पेंसिल कलर्स, सीजर, कलर मार्कर्स, परमानेंट मार्कर्स, पेंसिल, रेजर, शार्पनर, ग्लू, कंप्यूटर पेपर्स, क्रेयॉन कलर्स। आज हम अपना पेज सेकंड टर्म का पेज नंबर 26 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें है कलरिंग। फर्स्ट है कलरिंग, स्टार में हम करेंगे येलो कलर, हम इसके लिप्स में करेंगे रेड कलर। कैट में करेंगे ब्राउन कलर। अब हम बॉक्स में करेंगे ब्लू कलर। ये हमारा सेकंड टर्म का पेज नंबर 26 कंप्लीट हो गया है। अब हम पेज नंबर 27 स्टार्ट करेंगे, जिस पर है पेस्टिंग। ये एक स्पैरो बनी हुई है जिसकी हमें पेस्टिंग करनी है। इसके लिए हमने इसी शेप की एक स्पैरो ट्रेस कर ली है। अब हम इसके ऊपर इसके डिफरेंट कलरफुल पार्ट्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस स्पैरो को पेस्ट करेंगे। हमने ये स्पैरो को पेस्ट कर लिया, अब हम इसके ऊपर इसके डिफरेंट पार्ट्स लगाएंगे। अब हम पेस्ट कर रहे हैं, अब हम पेस्ट कर रहे हैं इसका येलो पार्ट। अब हम पेस्ट कर रहे हैं इसका ब्राउन पार्ट। करेंगे इसकी आउटलाइन।
हम पेज नंबर 28 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसपे ड्राइंग है और उसके डिफरेंट स्टेप्स बताए गए हैं। स्टेप नंबर 1 में स्पैरो बनी हुई है, स्टेप नंबर 2 में इसके अंदर की लाइंस, स्टेप नंबर 3 में लेग्स कंप्लीट बनी हुई है और स्टेप नंबर 4 में उसमें कलर हुआ है। तो हम स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट हो गए हैं, ये हमारे 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब हम इसमें कलर करेंगे। अब हम इसके बीच में करेंगे येलो कलर। बीच में येलो कलर, इसके पाँव में येलो कलर, इसके मिड वाले पार्ट में येलो कलर। अब हम करेंगे इसमें ब्लू कलर। कलरिंग करते हुए आपने बच्चों को बताना है कि इस चीज़ का ख्याल रखिए कि कलर लाइन से बाहर ना जाए। अब हम ब्लैक मार्कर से इसकी आउटलाइन करेंगे। ये हमारा पेज नंबर 28 कंप्लीट हो गया। नंबर 29 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें है प्रिंटिंग। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है हमारे पास पेंट। डिफरेंट कलर के पेंट्स हैं, जैसे ग्रीन, पिंक, ब्राउन, पर्पल और पिंक। और इसके साथ हमने ये स्पेस बनाने के लिए एक पूरा स्क्वायर शेप बना ली है और उसमें हमने हल्का सा ग्रीन कलर का लिया है, जो इस शेप में हमें नज़र आ रहा है वही हमने ग्रीन कलर यहाँ का लिया। ये हमने अपनी फिंगर पे पेंट लगा लिया, इससे हमने फिंगर प्रिंटिंग करनी है। अब हमारे पास ये एक प्रिंट डिज़ाइन है, तो वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। ग्रीन प्रिंटिंग करनी है फिंगर से।
चल अब हम इस पर ब्राउन कलर के फ्लावर्स बनाएंगे। अब हम बटरफ्लाइज बनाएंगे फिंगर प्रिंटिंग से। अब हम फिंगर से बनाएंगे बटरफ्लाई। अब हम मार्कर से इस बटरफ्लाई को शेप देंगे। ये हमारी एक बटरफ्लाई कंप्लीट हो गई है। दूसरी बटरफ्लाई ये वाली हमारा 29 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 30, जिसमें ये एक ओवल शेप का हार्ट चार्ट कट किया हुआ है। ये हमने एक ओवल शेप का हार्ट चार्ट कट कर लिया है। इसके दो पीस हैं अलग अलग से हमने कट कर लिए हैं और इसको हमने पंच मशीन से पंच कर लिया है। ये हमारे पास एक पंच स्टॉप ये हमने इसको एक पंच मशीन से पंच कर लिया है। इसके बाद हम अब इसमें थ्रेड ऐड करेंगे। ये हमने क्रॉस में इसमें धागा डाल लिया है। ये ग्लू से इसके ऊपर याच को चिपकाएंगे, पेस्ट करेंगे। पेज नंबर 31 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें है कलरिंग। ये एक बटरफ्लाई बनी हुई है, उसके बाद थ्री फ्लावर्स और एक गर्ल है जिसके हाथ में स्टार है। अब हम इसकी कलरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बटरफ्लाई में करेंगे रेड कलर।
पार्ट में करेंगे ब्लू कलर। अब हम बटरफ्लाई के फेस वाले कलर में करेंगे ग्रीन कलर। ग्रास में करेंगे ग्रीन कलर। अब हम फ्लावर के इनर पार्ट में करेंगे येलो कलर। अब हम फ्लावर में करेंगे रेड कलर। अब हमारे फ्लावर्स और बटरफ्लाई कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नीचे करेंगे फेरी में कलर। अब हम स्टार्स में करेंगे येलो कलर। अब हम फेरी में कर रहे हैं पर्पल कलर। हम इसके विंग्स में करेंगे रेड कलर। अब इसके हेयर में हम कर रहे हैं ब्लैक कलर। अब हमारा पेज नंबर 31 कंप्लीट हो गया जी। अब हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 32 जिस पे है पेस्टिंग। इसमें 3 कलर्स के फ्लावर्स बने हुए हैं ट्यूलिप्स। ये हमने 3 कलर्स ले लिए हैं रेड येलो और पर्पल। अब हमने इस पे ये ट्यूलिप ट्रेस कर लिया। अब इसको काटेंगे। हमने 3 ट्यूलिप्स जो है कट कर लिए हैं। अब हम इसके नीचे इसका ग्रीन पार्ट बनाएंगे। ये हमने ग्रीन कलर की 3 स्ट्रिप्स काट ली है ट्यूलिप्स के लिए। ये हमने 3 ट्यूलिप्स रेडी कर लिया। अब हम इसको पेस्ट करेंगे। ये हम पर्पल ट्यूलिप पेस्ट कर रहे हैं। से इनके अंदर लाइन्स लगाएंगे। ये हमारा पेज नंबर 32 कंप्लीट हो गया। अब हम पेज नंबर 33 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एक बर्ड बना हुआ है और उसके मुख्तलिफ स्टेप्स बताए गए हैं। पहले स्टेप्स में आपने एक छोटा सर्कल बनाना है, एक बड़ा सर्कल बनाना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने उसके साथ एक लीव शेप बना के उसका विंग बनाना है और आगे बीक बनानी है। थर्ड स्टेप में आपने उसके नीचे लेग्स बनानी है। फोर्थ स्टेप में आपने यहाँ एक लाइन लगा के उसकी बेली शो करनी है और एक आईज की का सर्कल छोटा सा बना के आईज बनानी है जी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका एक छोटा सर्कल बनाएंगे पहले। ये हमने एक सर्कल ड्रा कर लिए। अब इसके साथ हम एक बड़ा सर्कल बनाएंगे। ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हमने इसके साथ बीक बनानी है और
और यहाँ लीफ शेप बना दिए उसके विंग्स को शो करने के लिए। सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में हमने उसकी लेग्स बनानी है। फोर्थ स्टेप में हमने उसकी बेली एक लाइन लगा के शो करनी है और आई का सर्कल। ये हमारे फोर्थ स्टेप कंप्लीट हुए हैं। अब हम लास्ट स्टेप है फाइव, उसमें कलरिंग करेंगे। अब हम इसमें कलरिंग स्टार्ट करेंगे। बीक में येलो कलर, आईज में येलो कलर, बेली में येलो कलर। इसकी लेग्स में ब्राउन कलर। अब हम इस चीक में करेंगे ब्लू कलर। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी आउटलाइन। ये हमारा पेज नंबर 33 कंप्लीट हो गया। फोर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें ये एक चिक बना हुआ है। इसमें हैंड प्रिंटिंग है तो इतना छोटा हैंड्स हम बना नहीं सकते थे, इसलिए हमने उसको ट्रेस कर लिया। प्रिंटिंग करेंगे। अब हम इसे फिंगर प्रिंटिंग कर रहे हैं। अब हम अम्ब्रेला में कलर कर रहे हैं। भाई ये हमारा पेज नंबर 34 कंप्लीट हो गया है। अब हम पेज नंबर 35 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एक जार है, उसमें कलर फुल डिफरेंट कलर के स्टोन हैं, उसमें आर्टिफिशियल लीव्स और फ्लावर्स वगैरह हैं और एक फिश है। तो हमने ये एक जार ले ली है, इसमें हमने ये जो स्टोन ऐड किए हैं इनको हमने डिफरेंट कलर कर लिया, पेंट कर लिया है डिफरेंट कलर के स्टोन्स, ये हमने डिफरेंट पेंट कर लिए इनके ऊपर। अब हम इसमें ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स और लीव्स इस जार में ऐड करेंगे। जार कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें कलरफुल स्टोन्स, आर्टिफिशियल फ्लावर, लीव्स और एक फिश ऐड करके ये हमारा फिश एक्वेरियम तैयार हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 36 जिसमें है कलरिंग। डिफरेंट कार्टून करेक्टर्स बने हुए हैं जिसमें हमने कलर करने हैं। तो सबसे पहला जो कार्टून करेक्टर है उसमें हम येलो कलर कर रहे हैं।
हम इसी टाइम में करेंगे रेड कलर, नोज में भी रेड कलर, अब हमारा नेक्स्ट जो कार्टून करेक्टर है इसमें हम करेंगे ब्लू कलर, हमारा जो नेक्स्ट कार्टून करेक्टर है एंग्री बर्ड उसमें हम करेंगे रेड कलर, अब हम इसकी बीक में करेंगे येलो कलर, नेक्स्ट जो हमारे पास कार्टून करेक्टर है उसमें हम कर रहे हैं पर्पल कलर, अब हम थ्रेड भी करेंगे ब्लू कलर, हमारा पेज नंबर 36 कंप्लीट हो गया। अब हम पेज नंबर 37 स्टार्ट करेंगे जिसमें है पेस्टिंग, ये एक लिजर्ड बनी हुई है तो इसी के लिए हमें चाहिए ग्रीन कलर का ग्लेस पेपर जो हमारे पास है, अब हम इसकी ट्रेसिंग करेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। अब हमने ये लिजर्ड ट्रेस कर लिया, अब इस मार्कर से हम इसकी आउटलाइन करेंगे, हम इसकी आईज बना रहे हैं।
रेड कलर की। ये हमारी लिज़र्ड की कटिंग कंप्लीट हो गई, अब हम इसकी पेस्टिंग कर रहे हैं। ये हमने इसको पेस्ट कर दिया है, हमारा पेज नंबर 37 कंप्लीट हो गया है। अब हम पेज नंबर 38 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ये 5 स्टेप्स दिए गए हैं, जिसमें हमने ये ऑक्टोपस को कंप्लीट करना है। बात अच्छा, फर्स्ट स्टेप में हमने एक सर्कल बनाना है, तो ये हमें पहले सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। अब हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया, उसके हम इक्वल 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे। ये हमारा 1 कंप्लीट हो गया है। स्टेप नंबर 2 में हमने उसकी आइज़ बनानी है, जो हमारा जो पहले 2 पार्ट हैं उसमें हम आइज़ बनाएंगे। स्टेप नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब स्टेप नंबर 4 में हम उसके लिप्स बनाएंगे। स्टेप नंबर फाइव में हमने ऑक्टोपस की आर्म्स स्टार्ट करने, ये फर्स्ट आर्म बना हुआ है, और स्टेप नंबर 6 में जाके उसके सारे आर्म्स कंप्लीट हो गए। ये हमारा नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब 7 स्टेप में हम उसकी आउटलाइन करने के बाद उसमें कलर करेंगे। हिल रहा है टेबल। अब हम इसमें कलर कर रहे हैं ऑक्टोपस येलो कलर। स्टेप नंबर सेवन हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टेप नंबर 7 कलर्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप नंबर 8, जिसमें हम करेंगे ब्लू कलर। ये हमारा स्टेप नंबर 8 कंप्लीट हो गया। 39 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ये एक कार की शेप हमने बना ली है, ऊपर एक ट्री की शेप बनाई है जिसमें हम फिंगर प्रिंटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें डिफरेंट कलर के पेंट्स चाहिए। ये सारे डिफरेंट कलर के हमारे पास पेंट्स हैं। तो अब हम इसमें कलरिंग स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें कलरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैंने अपनी फिंगर पे पेंट लगा लिए, डिफरेंट जगह पे हम इसको पेंट करेंगे।
अब येलो पेंट, ऑरेंज, पिंक कलर यूज़ कर रहे हैं। अब हम यूज़ कर रहे हैं ब्लू कलर। कर रहे हैं पर्पल कलर। पेज नंबर 39 कंप्लीट हो गया। स्टार्ट करें जिसमें है क्राफ्टिंग। ये क्राफ्टिंग में डिफरेंट कलर की डॉल्स बनी हुई हैं और ये पेपर को फोल्ड करके बनाई गई हैं। तो हम आपके सामने एक डॉल बनाते हैं। ये पेपर है हमारे पास सिंपल, आपने इसको इस तरह से कर्व में बेंड करते जाना है। ये हमने पेपर को फोल्ड करके इस तरह का एक बना लिया। अब हम इसके ऊपर एक राउंड फेस लगाएंगे के ऊपर हम मार्कर से इसके आई जोन्स बनाएंगे। अब हम पिंक कलर से इसके लिप्स बना रहे हैं। ये हमने ग्लू के साथ इसको जोड़ लिए हैं, जो है वो कंप्लीट हो गए। बाकी इसी तरह से बना लेंगे। ये हमने उसी तरीके से 5 डॉल्स जो है वो बना ली हैं डिफरेंट शेप्स की। जी अब हमारा पेज नंबर 40 कंप्लीट हो गया। ये 5 डॉल्स हमने बना लिए हैं डिफरेंट शेप्स की। वन स्टार्ट करेंगे जिसमें है रेनबो। तो रेनबो के कलर्स स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हमने करना है रेड कलर। नेक्स्ट हम करेंगे ऑरेंज कलर, करेंगे इसमें ऑरेंज कलर। अब हम इसमें करेंगे ग्रीन कलर। अब हम इसमें करेंगे येलो कलर। अब हम इसमें करेंगे ब्लू कलर। हम इसमें करेंगे पर्पल कलर। क्लाउड्स में करेंगे स्काई ब्लू कलर।
गिफ्ट में करेंगे ब्लू कलर। ये हमारा पेज नंबर 41 कंप्लीट हो गया है। स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 42 जिसमें है पेस्टिंग। अब हमने पेज नंबर 42 जो स्टार्ट किया है पेस्टिंग, उसमें ये देखिए हमने एक हार शेप ट्रेस करके कट कर लिए। अब हम इसकी पेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। अब हमने ये हार शेप पेस्ट कर लिए। अब इसके ऊपर का ग्रीन पार्ट, ग्रीन लीफ लगाएंगे। हमने इसका ऊपर वाला पार्ट काट लिया है। अब हम इसकी पेस्टिंग करेंगे। अब हम इसकी टू आईज पेस्ट करेंगे। हम मार्कर से इसकी आईज और लिप्स बनाएंगे। ये हमारा पेज नंबर 42 कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 43 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें है ड्राइंग और ड्राइंग में डिफरेंट स्टेप्स बताए गए हैं। एक डॉग की शेप बनी हुई है जिसमें सबसे पहले हमने एक ओवल शेप ड्रॉ करनी है। सेकेंड स्टेप में हमने उस ओवल शेप के ऊपर एक मून शेप ड्रा करनी है, फिर हमने उसके ईयर ड्रा करने हैं, फिर नीचे वाला पार्ट, और लास्ट में उसके बाजू, और स्टेप नंबर 4 में उसका फेस बनाना है हमने, दुम बनानी है, और लास्ट स्टेप में हमने उसमें कलर करना है। स्टेप नंबर 1 में हमने एक ओवल शेप ट्रेस कर लिए कर रहे इसका, जिसमें हमने ये मून शेप ड्रा करनी है। टू ईयर्स बनाने हैं। ये हमने इसकी टू ईयर्स ड्रा कर लिए हैं। अब स्टेप नंबर 3 में इसकी नीचे वाली बॉडी पार्ट बनाएंगे। ये अब हम स्टेप नंबर 3 में इसका नीचे वाला बॉडी पार्ट बना रहे हैं। टू सर्कल्स फीट बनाएंगे उसके। स्टेप नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम उसकी टेल बना रहे हैं। ये हमारा डॉग जो है वो, अब हम उसका फेस बनाएंगे। अब हम डॉग का फेस बना रहे हैं। ये उसके लिप्स। अब हम ब्लैक मार्कर से इसकी आउटलाइन करेंगे।
हम इसकी कलरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ऊपर वाले पार्ट में हम लाइट सा पिंक कलर करेंगे। अब हम इसके फेस में करेंगे येलो कलर। अब हम इसमें करेंगे ब्राउन कलर। ये हमारा पेज नंबर 43 कंप्लीट हो गया है। 44 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें है प्रिंटिंग। इसमें थंब प्रिंटिंग के साथ ये डिफरेंट कलर पिक्चर्स बनाई गई हैं, तो हम थंब प्रिंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमने थंब के ऊपर पेंट लगा लिया है। अब अब हम मार्कर से इसका फेस बनाएंगे। इसकी लेग्स earrings। पेज नंबर 44 कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 45 जिसमें है ये क्राफ्ट, एक चिक बना हुआ है। तो हमने ये एक चिक से रख के ट्रेस कर लिया है। अब हम इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स करेंगे। अब हम इसके बीच में करेंगे येलो कलर। ये हमारा चिक कंप्लीट हो गया है और इसके साथ ही हमारा पेज नंबर 45 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 46 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें है कलरिंग। इसमें एक फ्लावर बना हुआ है और एक कॉक बना हुआ है, दोनों में हमने कलरिंग करनी है। फ्लावर के मिड वाले पार्ट में हम करेंगे ग्रीन कलर। अब हम इसमें कर रहे हैं पिंक कलर।
अब हम कॉक की कलरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बीक में हम कर रहे हैं रेड कलर। पेज नंबर 46 कंप्लीट हो गया है। ये अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 47, जिसमें हमने ये एक स्क्वायर पीस लिया है ऑरेंज कलर का। हम इस शेप में इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्क्वायर से फोल्ड करना है दोनों साइड से। ये हमने फोल्ड कर लिया इस तरह से। अब इसके मिड में निशान लगाएंगे। ये हमने इसके मिड में निशान लगा लिए। इसको दोबारा ओपन करेंगे और इस साइड से फोल्ड करेंगे। अब हमने इसको यहाँ से फोल्ड करके कॉर्नर्स दोबारा फोल्ड कर देने हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ऐसी ही शेप हमारे पास आ गई है। अब हम इसका ग्रीन पार्ट बनाएंगे। इसके लिए हमें एक स्क्वायर पीस चाहिए ग्लेस पेपर का, ये हमने ले लिया है। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे कि वाइट वाली साइड ऊपर आए। फिर हम इसको दोबारा फोल्ड करेंगे। अब ये सेम ऐसी शेप हमारे पास बन गई है। शेप कंप्लीट हो गई है। इसको हमने इस तरीके से जोड़ लेना है। ये हमारा पेज नंबर 47 कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 48, जिसमें एक शेप बनी हुई है ट्रक, एक शेप बनी हुई है जो हम करेंगे ट्रेस। स्टेप नंबर 1 में देखिए, एक रेक्टेंगल शेप बनी हुई है जो हमने यहाँ बना ली है। रेक्टेंगल शेप बनाएंगे। स्टेप नंबर 3 में हमने सामने हम लास्ट में इसकी कर रहे हैं आउटलाइन मार्कर के साथ। नंबर 49 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रिंटिंग है और प्रिंटिंग के साथ ये डिफरेंट एनिमल्स बनाए गए। तो हम ये थंब प्रिंटिंग स्टार्ट करते हैं, फिंगर प्रिंटिंग। अच्छा, फिंगर प्रिंटिंग कर ली।
ये हमारी थंब प्रिंटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब मार्कर से हम इसके ऊपर फेसेस बनाएंगे। जी अब ये हमारा पेज नंबर जो 49 हमने प्रिंटिंग की थी, अब हम इसके ऊपर इसके फेसेस बनाएंगे। ये एक हमने चिक कंप्लीट कर ली है। ये हमने थंब प्रिंटिंग से एलिफेंट की शेप कंप्लीट कर ली है। अब ये हमने 4 थंब प्रिंट्स लगाए थे जिससे हमने बटरफ्लाई बनानी है, तो ये हम बटरफ्लाई बना रहे हैं। ये हमने थंब प्रिंट से टोर्टाइस की शेप कंप्लीट की। ये हमारा पेज नंबर 49 कंप्लीट हो गया है जिसमें डिफरेंट शेप्स हमने बनाई हैं। अब हम पेज नंबर 50 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा सेकंड टर्म का लास्ट पेज है। इसमें है क्राफ्टिंग। हमने एक हैंड को वाइट पेज के ऊपर प्रेस करना है और फिर उसको वाइट पेपर के ऊपर अपना हैंड रख के प्रेस कर लिया। उसके बाद हमने इसमें डिफरेंट कलर्स कर लिए, रेनबो कलर्स, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, रेड। अब हम इसको एक हार्ड चार्ट के ऊपर पेस्ट करेंगे। हैंड बनाने के बाद हमने उसे ब्लू पेपर पे, ब्लू हार्ड चार्ट पे पेस्ट कर लिया। ये हमने एक ब्लू हार्ड चार्ट लिया है और उस पर एक हैंड को पेस्ट कर लिया। हैंड प्रिंट किया है हार्ड चार्ट पे। अब हम उसकी साइड से कटिंग करेंगे और थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ देंगे कि ब्लू पार्ट नज़र आए। जी अब हमारा ये हैंड कटिंग के बाद कंप्लीट हो गया है। ये देखें सेम बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारा सेकंड टर्म का लास्ट पेज नंबर 50 कंप्लीट हो गया है। उसके साथ हमारी सेकंड टर्म की कंप्लीट बुक